संगीता ढौंडियाल बहुत ही सौम्य और विनम्र स्वभाव की सिंगर हैं, लेकिन 5 साल पहले उन्होंने ऐसा कुछ किया था कि लोग उन्हें जान से मारने की धमकियां देने लगे थे। तो आखिर क्या था ये पूरा मामला और आखिर ये विवाद इतना क्यों बढ़ गया, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो साल था अगस्त 2019, अभी तक कोविड नहीं आया था और गढ़वाल की पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री यूट्यूब और सोशल मीडिया पर शिफ्ट हो चुकी थी। सारे बड़े सिंगर अपने अपने गाने यूट्यूब पर लॉन्च कर रहे थे और इसी दौर में संगीता ढौंडियाल जी ने भी अपना एक गाना लॉन्च किया था, रे मालू। रे मालू एक पुराना चांचरी लोकगीत है जो चमोली जिले का है। संगीता ढौंडियाल ने इसे केवल अपनी आवाज दी थी और इसे नए तरीके से पेश किया था। ये बहुत ही कर्णप्रिय गाना था जिसमें एक लड़की अपने पिता से कह रही है कि उसको ऐसे क्षेत्र में जाकर के शादी नहीं करनी है जहाँ पे जीवन यापन बहुत मुश्किल है और बहुत ही कठिनाई के साथ में जिया जाता है। ये गाना आप YouTube पे सुन सकते हैं और अभी भी जब आप इस गाने को सुनते हैं तो आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि उस दौर में इस गाने को लेकर के कितना ज़्यादा विवाद हुआ था कि ये गाने को डिलीट करना पड़ गया और दोबारा बदले हुए सुर के साथ में इसे लॉन्च किया गया। अब आप जो गाना सुनते हैं वो ओरिजिनल गाना नहीं है बल्कि बदले हुए बोल के साथ में दोबारा अपलोड किया गया गाना है। हालांकि अभी भी ये पसंद किया जाता है, लेकिन जो गाना पहले अपलोड किया गया था उसको लेकर के काफ़ी विवाद हुआ था। असल में समस्या थी उस गाने को बोल जब ओरिजिनली वो गाना अपलोड हुआ था तो लोगों ने कहा कि इस गाने में राठ को लेकर के बहुत ही उल्टा सीधा कहा गया है। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दो कि राठ पौड़ी गढ़वाल का पूर्वी क्षेत्र है। इसी क्षेत्र में फेमस पाबा बाजार और पैठाणी नामक स्थान है, पैठाणी जहाँ पे राहु और सूर्य मंदिर स्थित है। ये देश का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पे राहु की मंदिर में पूजा की जाती है। जब संगीता ढौंडियाल का ये गाना ने जानू राठ मुल्क ये गाना सुनाई दिया तो लोगों ने कहा कि इसमें राठ को लेकर के गलत बातें कही गई हैं और राठ की छवि को खराब करने का प्रयास किया गया है। सबसे बड़ी आपत्ति थी इस गाने के एक लाइन को लेकर जिसमें राठ को पापी मुल्क कहा गया। गाने के नीचे कुछ लोगों ने कमेंट करने शुरू किए और कुछ लोगों ने कहा कि राठ को बदनाम करने की साजिश की जा रही है जिसके खिलाफ एक आंदोलन खड़ा किया जाना चाहिए। कुछ लोगों की बात से शुरू हुआ ये धीरे 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 सोशल मीडिया पे फैलता चला गया और देखते ही देखते इसने एक बड़ा रूप ले लिया। जब तक लोग कुछ समझ पाते या किसी बात को क्लियर कर पाते तब तक मामला बहुत बढ़ चुका था और यहाँ तक कि लोगों ने संगीता ढौंडियाल को जान से मारने की धमकियाँ तक दे डाली। मामले को बढ़ता देख संगीता ढौंडियाल ने एक फेसबुक लाइव किया और उस वीडियो के माध्यम से अपनी बात को रखने का प्रयास किया। नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता ढौंडियाल, मैं राठ मूल के लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ इस गाने को अदरवाइज मत लें क्योंकि ये एक पारंपरिक लोकगीत है। मैं खुद राठ मूल से हूँ, मैं राठ क्षेत्र की हूँ, मैं राठ की बेटी हूँ। ये गीत एक पारंपरिक लोकगीत है, ये एक चमोली का एक चांचरी गीत है जिसको मैंने नए तरीके से स्वरबद्ध किया है। इस गीत में चमोली की जो लड़की है उसने अपनी एक व्यथा कही है अपने पिताजी से कि मुझे उस राठ क्षेत्र में नहीं जाना, क्योंकि चमोली और राठ क्षेत्र बिल्कुल अपने आप में बिल्कुल अलग हैं। चमोली का रहन सहन, वहाँ का पहनावा, वहाँ का खान पान बिल्कुल अलग है, वहाँ की बोली भाषा अलग है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि संगीता जी कितना डरी हुई है और किस तरह से अपनी बात को लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रही है कि वो खुद राठ क्षेत्र की बेटी है और ये गाना उनकी कंपोजिशन नहीं है। ये पुराने जमाने का एक गाना है जब राठ का क्षेत्र बहुत ही मुश्किल हुआ करता था और वहाँ पे जीवन यापन करना कठिन हुआ करता था। उस दौर में एक बेटी ने अपने पिता के लिए ये गाना गाया था कि उन्हें राठ में शादी नहीं करनी। सोशल मीडिया पे लोग दो ग्रुप में बढ़ चुके थे, कुछ लोग संगीता ढौंडियाल के पक्ष में बात कर रहे थे और कुछ लोग इसके विरोध में बात कर रहे थे, जिन्हें कहना था कि इस गाने को डिलीट किया जाना चाहिए और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी ने भी संगीता ढौंडियाल के पक्ष में एक फेसबुक पोस्ट की, लेकिन इसके बावजूद विवाद नहीं थमा और इसके बाद संगीता ढौंडियाल ने वो कदम उठाया जो अप्रत्याशित था। इस मामले का पटाक्षेप करते हुए संगीता ढौंडियाल ने अपना गाना YouTube से डिलीट कर दिया।
कई बार छोटी सी बात भी इतना आगे बढ़ जाती है कि हमें उसका अंदाजा नहीं हो पाता, लेकिन जब तक हमें समझ में आता है तब तक मामला इतना बढ़ चुका होता है कि बात हाथ से निकल चुकी होती है। अब ये ओरिजिनल गाना आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। जो गाना आप यूट्यूब पे सुनते हैं वो बदले हुए बोल के साथ में दोबारा अपलोड किया गया, क्योंकि इस गाने को लेकर के पहले से ही हाइप बनी हुई थी और इस गाने को लेकर के बहुत विवाद बने हुए थे। तो देखते ही देखते दोबारा अपलोड के बाद इस गाने के व्यूज लगातार बढ़ने लगे और फिर ये गाना दोबारा से पूरी तरह से लोकप्रिय हो गया। राठ क्षेत्र बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत इलाका है। यहाँ के मार्केट, यहाँ के गांव और यहाँ की नैसर्गिक सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं है। ये एक आध्यात्मिक क्षेत्र है, लेकिन ये भी सच है कि एक ज़माने में वहाँ पर सुविधाओं का बहुत अभाव हुआ करता था। अब इसे आप चाहे समाज की उपेक्षा कहें या सरकारों की लापरवाही, लेकिन ये सच है कि एक ज़माने में राठ उतना डेवलप नहीं हुआ करता था जितना ये आज है। ये पुराना लोकगीत उसी दौर की एक कहानी था जो हमें अतीत में ले जाके उस दौर के दर्शन कराता था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ये एक अनचाहे विवाद की भेंट चढ़ गया।